गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ क्लास 11 इन केमिस्ट्री। ये आज का थर्ड सेशन है और ये आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी पोर्शन से कवर किए जाते हैं, तो आप इसको बहुत ही केयरफुली ध्यान से समझेंगे और सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे। तो स्टूडेंट, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, अबाउट द एटम, कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ मॉडल थे, उनके कुछ लिमिटेशंस, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, सो मेनी थिंग्स हम लोगों ने जाना था। तो जो भी डाउट्स थे, जो भी उसमें बेसिकली जो बोहर मॉडल था उसमें जो भी लिमिटेशंस थे, उनको कैसे सही किया गया या फिर उसको कैसे जस्टिफाई किया गया, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ कुछ रूल्स वगैरह जो हैं इस चैप्टर में, उनके बारे में ही हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरली लाइट के टर्म्स में बोला जाता है, तो वो टू प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करती है, पार्टिकल नेचर को और साथ ही साथ वो उसके साथ वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। वेव नेचर को मैक्स प्लांक ने बताया था और पार्टिकल नेचर को अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, उसी को आगे हम बढ़ाते हैं कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो मैटर भी जो है वो ड्यूअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। इसको बताया मिस्टर डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली प्रपोज दैट मैटर एग्जिबिट्स ड्यूअल बिहेवियर, दैट इज मैटर शोज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। ठीक है, तो जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ड्यूअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से मैटर भी जो है वो ड्यूअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मैटर जो है वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सो डी ब्रॉगली रिलेशन आता है, एक डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन, एक इक्वेशन बताया है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम वी, वेयर लेमडा इज वेवलेंथ, एच इज प्लांक कॉन्स्टेंट, एम मास, वी वेलोसिटी। एम वी को हम लोग मोमेंटम भी कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। तो हम एम वी के जगह पे पी भी पुट कर सकते हैं। तो डी ब्रॉगली रिलेशन जो है वो लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी भी बोला जा सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। ये क्या बताया गया, इन्होंने क्या बताया, इट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजिशन, एक साथ एग्जैक्ट पोजिशन और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है या फिर अनसर्टेन है या हो ही नहीं सकता है। कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, किसी भी एटम का कोई इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, ये बताया मिस्टर हाइजेनबर्ग ने। क्योंकि देखिए, पोजीशन तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब बॉडी रेस्ट में हो, और बॉडी रेस्ट में होगी तो मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी उसकी नथिंग होगी, वेलोसिटी ही कुछ नहीं, क्योंकि मास तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, वेलोसिटी ही ज़ीरो। तो वेलोसिटी अगर बॉडी मूव कर रही, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसके पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, और अगर उसके वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है तो पोजीशन को रेस्ट में रखना पड़ेगा, तो किसी न किसी एक को हमें लीव करना होगा। तो हाइजेनबर्ग ने यही बताया कि वेलोसिटी बिल्कुल मोमेंटम के टर्म में वेलोसिटी ही इसलिए लिखा गया क्योंकि मास चेंज नहीं होता, वेलोसिटी ही चेंज होता है। तो वेलोसिटी और पोजीशन एग्जैक्टली एक ही समय नहीं बताया जा सकता है, ये बताया था मिस्टर हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। द प्रोडक्ट ऑफ देयर अनसर्टेनिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपान फोर पाई। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट, इनके अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट होता है वो या तो फोर एच अपान फोर पाई के इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा। मैथमेटिकली जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो डेल्टा एक्स
यहाँ जो ट्रायंगल है उसे हम डेल्टा बोलते हैं, और यक्स जो है वो यहाँ पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा यक्स इंटू डेल्टा पी, पी यानी कि मोमेंटम, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होता है एच अपान फोर पाई के। तो डेल्टा यक्स यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। यहाँ पे इसका और कोई यूज नहीं है बेसिकली, बस हमें कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट रूल दे करके नाम पूछा गया साइंटिस्ट का, और साथ ही साथ कभी कभी इनका एक्सप्रेशन जो है उसको पूछा गया। तो आपको इस पर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, बस केवल इनको ऐसे ही देखना ही है, समझ लीजिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफिनिट पाथ्स और ट्रैजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन या फिर और भी जो इस तरह के सिमिलर पार्टिकल्स हैं वो, ये इनका जो प्रिंसिपल है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल्स के लिए है, जिसकी कि पाथ या फिर उसकी ट्रैजेक्टरी को, के एग्जिस्टेंस को ये बता पाए, ठीक है, कि वो किस पाथ पर रोटेशन कर रहा है। फेल्योर ऑफ बोहर्स मॉडल, तो ये भी एक ऐड होता है कि ये भी एक लिमिटेशन ही है बोहर मॉडल का, कि ये ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उनकी जो थ्योरी थी, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। तो ये भी कमियां ही थी बोहर्स के मॉडल में। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हमें जानना है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इट सक्सेसफुली डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बट फेल्स इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा फिजिक्स है, कह सकते हैं फिजिक्स को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ फिजिक्स का क्यों यूज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोशन की बात आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात आ रही है, तो यहाँ फिजिक्स इंक्लूड हुआ है। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड है वो न्यूटन्स की थ्योरी पे बेस्ड है, और जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो मॉडर्न एल्बर्ट आइंस्टीन, प्लांक कांस्टेंट, सॉरी मैक्स प्लांक वगैरह, इन लोगों की थ्योरीज पर बेस्ड है। तो जो न्यूटन की जो थ्योरी है, यानी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसमें न्यूटन की जो थ्योरीज हैं वो फुलफिल करती हैं सभी कंडीशंस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, यानी बड़े पार्टिकल। मैक्रो का मतलब यहाँ बड़ा पार्टिकल है, जैसे हम लोग कोई बॉडी है, कोई स्टोन है, कोई बॉल है, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई भी फ्रूट है, तो इन सब के लॉज ऑफ मोशन इन सब पे फॉलो होता है। बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर बोसॉन्स, लेप्टॉन्स, मतलब जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए लॉज ऑफ मोशन न्यूटन का फॉलो नहीं होता है। तो उनके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्वांटम मैकेनिक्स की। यहाँ पे रीज़न भी आपको बताया गया है कि रीज़न क्या है, कि क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो बिल्कुल भी नहीं मानता है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। सो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए फॉलो नहीं होता है, ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को ही डिस्क्राइब कर सकता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, कि क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दैट है बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। क्वांटम मैकेनिक्स समझ सकते हैं कि वो ब्रांच है साइंस की या फिर फिजिक्स की जो कि पूरा थ्योरेटिकल है, और ये इसके हेल्प से क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो वेव नेचर में हो चाहे वो पार्टिकल नेचर में हो। क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल इक्वेशन विच इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड है एक इक्वेशन जिसे हम कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोला जाता है, जो श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो यहाँ पे क्या है, एच कैप साई इज इक्वल्स टू ई साई, यहाँ एच कैप इज द हैमिल्टनियन ऑपरेटर, ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
एंड साई रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन विच इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा, तो आप बिल्कुल भी यहाँ घबराइए नहीं कि ये कैसे आया, इसका जो डेरिवेशन है वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट हम जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ये हमें और डिटेल में पढ़ना होगा। तो बस इसका केवल यहाँ पे यूज है, केवल थ्योरीज हैं, तो बस हमें बस इन्हें जान लेना है कि ये इस इक्वेशन से आया है। ठीक है, और जो डिटेलिंग इसका हम करेंगे वो आगे के हम क्लासेस में इसका डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, और इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है इसमें एच कैप क्या है, ई क्या है, साई किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बस सिंपली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे कोई डिराइव वगैरह करने के लिए आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा भी यहाँ पैनिक नहीं होंगे, आप जितना बताया जा रहा है वो आप अच्छे से समझ लीजिए बस। अब श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। फॉर अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम सच एज एन एटम और अ मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटेन एज। तो उन्हीं के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन बताया गया। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में जब रोटेशन करता है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो लॉस या फिर गेन वो नहीं करता है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बेसिकली ऐसे ही सिस्टम के लिए है जिनकी एनर्जी लॉस या गेन नहीं होती है। ठीक है, जो चेंज नहीं करते हैं। व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम द सॉल्यूशन गिव्स द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एंड द करेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ ईच एनर्जी लेवल। ठीक है, तो जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वहाँ पे सभी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी लेवल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी ये होती है और इसमें यही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। और मतलब कि ऐसा नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल एक जैसी होगी, नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल अधिक अलग अलग होती है। ये जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये सा मिलता है। आउट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ओनली सर्टेन सॉल्यूशंस आर परमिटेड। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सभी जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, बस ये बहुत सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। ईच परमिटेड सॉल्यूशन इज हाईली सिग्निफिकेंट एज इट करस्पॉन्ड्स टू अ डिफिनिट एनर्जी स्टेट। ठीक है, दस वी कैन से दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो ये कंटिन्यू फॉर्म में एनर्जी लेवल्स नहीं मिलते हैं, जिनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो अलग अलग लेवल्स में होती है। इसी से बोला जाता है कि जो लाइट की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, यानी अलग अलग बंडल्स या पैकेट में होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास वो भी क्वांटाइज्ड होती है, जो कि अलग अलग लेवल में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। तो इसको डिस्क्रीट फॉर्म कहते हैं, यानी अलग अलग, कुछ बीच में गैपिंग है, फिर एनर्जी लेवल आएगा, फिर गैपिंग, फिर एनर्जी लेवल आएगा। ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के हेल्प से ही सॉल्व किया जाता है। तो इसमें आपको कई सारे ऐसे सिंबल देखने को मिल रहे होंगे जो कि अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इसे आप फिर से यहाँ पे पैनिक नहीं होंगे कि इस इक्वेशन का हमें यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल भी आपको कोई भी क्वेश्चन क्लास 11th में इस पे बेस्ड सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो आप पैनिक नहीं होंगे, बस इस इक्वेशन का यूज नहीं हमें करना है, केवल लर्न कर लेना है। कभी कभी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, या फिर वन मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द वे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इस पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करने। तो ये है क्या, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में है, तो इसे हम सिंबल को कहते हैं डेवा, डेवा स्क्वायर साई अपान डी एक्स, डेवा यक्स स्क्वायर प्लस डेवा स्क्वायर साई अपान डेवा वाई स्क्वायर प्लस डेवा स्क्वायर साई अपान डेवा जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर इन ब्रैकेट ई माइनस वी ब्रैकेट क्लोज साई स्क्वायर टू जीरो। तो इसका जो डेरिवेशन है वो आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा, और वहाँ पे बेस्ड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने होंगे। ये डेवा क्या है, ये आपका एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि आप पढ़ेंगे डेवा या फिर डी डी एक्स 11th में ही पढ़ेंगे, वो चैप्टर होगा आपका डिफरेंशिएशन। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो इस सिंबल का आपको मतलब समझ में आ जाएगा। गॉट इट, तो यहाँ पे है क्या,
डेवा जो है वो डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू जेड, पहले में यक्स के रिस्पेक्ट में है, सेकेंड वाले में वाई के रिस्पेक्ट में है, थर्ड वाले में जेड के रिस्पेक्ट में है। साई जो है वो श्रोडिंजर वेव फंक्शन है, जेड जो है या वाई जो है वो यक्स क्या है वो एक्सिस या फिर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ई फॉर एनर्जी है, वी फॉर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और यच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, यम फॉर मास है। तो इसका केवल आपको बस इतना पता होना चाहिए इसमें क्या है और ये किसको किसको रिप्रेजेंट करना है बस। अब आता है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है। साई गिव्स अस द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, साई क्या बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को बता रहा है। द वैल्यू ऑफ साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई स्क्वायर गिव्स अस द रीजन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो साई का यहाँ कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जो इसमें साई स्क्वायर होगा जब हम इसे इसका डेरिवेशन करेंगे, तो इसको जब डिराइव करते समय इसमें एक और टर्म्स आ जाता है साई स्क्वायर, तो जो साई स्क्वायर होगा वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर स्पेस में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि जो हमारा एटम होता है एटम में हर एक जगह पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, कुछ ही जगहों पर प्रेजेंट है, कुछ ही ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है, सभी ऑर्बिट्स में नहीं प्रेजेंट है। तो वो सेलेक्टिव कौन से ऑर्बिट्स होते हैं जहां पर कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, उसे ही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब जहां डेंस होगा, तो जहां अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वहीं पे कहलाएगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ऑर्बिटल, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिट जो होता है वो अलग है, ये ऑर्बिटल है, और ये ऑर्बिटल देखा जाए तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया या वो प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है उसको हम उन लोग कहते हैं ऑर्बिटल, यानी ये ऑर्बिट के अंदर होता है। ऑर्बिट जो होता है वो आपका बड़ा होता है, सेल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर कुछ सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स के अंदर ये ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल। अब बात करते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स की, ठीक है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में हमने एक इक्वेशन बताया था रेडबर्ग फार्मूला, जिसमें वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ अब जो बताने जा रहे हैं इन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इनफैक्ट आपके अगर देखा जाए तो आपका जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है उसमें डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वांटम नंबर से पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्वांटम नंबर है क्या, देयर आर अ सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स विच स्पेसिफाई द एनर्जी साइज शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल। टू स्पेसिफाई एन ऑर्बिटल ओनली थ्री क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड, वाइल टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन ऑल फोर क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखिए क्वांटम नंबर है क्या, अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स विच गिव्स अस होल इंफॉर्मेशन अबाउट अ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एटम, यानी किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर हमें टोटल होल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, किस तरह का उसका ओरिएंटेशन है, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉन के बारे में मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, अबाउट क्वांटम नंबर ही हमें बताता है। तो बेसिकली फोर टाइप्स के आपके क्वांटम नंबर होते हैं, उन्हीं फोर टाइप्स के क्वांटम नंबर्स के ही हेल्प से किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम नंबर इसे हम कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, इट आइडेंटिफाइज सेल, डिटरमाइंस साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट्स को बताता है या फिर सेल को बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सेल में प्रेजेंट हैं। सेल या ऑर्बिट को ही हम एनर्जी लेवल कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, या सेल को या फिर ऑर्बिट को बताता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कौन कौन से सेल होते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेल को के कहते हैं, सेकंड सेल को एल कहते हैं, थर्ड सेल को एम कहते हैं, फोर्थ सेल को एन कहते हैं, और एंड सो ऑन। ठीक है, तो किसी में भी इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के में 1 होते हैं, एल में 4 होते हैं, एम में 9 होते हैं, और एन में 16 होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके लिए फार्मूला है आपका 2n2। तो 1 ऑर्बिटल यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन, 9 ऑर्बिटल यानी 18 इलेक्ट्रॉन, और 16 ऑर्बिटल यानी 32 इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मिनिमम कितने रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी इसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू है ये 1 टू इनफाइनाइट है, 1 से कम इसकी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सेल होते हैं, सेल नंबर होता है KLMN, यही क्या है, K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4, यही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी अगर आ गया सपोज दैट कि कोई भी इलेक्ट्रॉन M सेल में है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा। अगर कहा गया कि किसी कोई इलेक्ट्रॉन है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो किस सेल में होगा, तो आप बताएंगे जिसका क्वांटम नंबर 2 होता है वो L सेल में पाया जाता है, जिसका क्वांटम नंबर 1 होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, वो K सेल में पाया जाता है। तो आप इसके बेसिस पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेल को बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग दिगंसी क्वांटम संख्या कहते हैं। हिंदी इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप लोग एजीम्यूथल को ही ध्यान रखें। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है, ये आई नहीं है, ये स्मॉल एल है, ध्यान देंगे आप लोग। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एल, इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इट डिटरमाइंस सबसेल, डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल इज इक्वल टू 2l+1। For a given value of n, it can have n values ranging from 0 to n-1. Total number of subcells in a particular cell is equal to the value of n. ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में देखिए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सब सेल को, ठीक है, कि किसी भी सेल के अंदर जो सबसेल होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से, ठीक, और एल इज इक्वल्स टू होता है n-1। यानी एल की जो वैल्यू होती है वो कैसे पता चलेगी, जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। यानी एल इज इक्वल्स टू होता है n-1। अगर n की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 4-1 यानी 3 होगी, ठीक है। तो ये उसके सब्सिडियरी जो सबसेल्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, गॉट इट। इसकी वैल्यू को और कैसे फाइंड किया जा सकता है उसको भी आप देखें, तो ये सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसेल आपके होते हैं 4, 5, 6 इस तरह से। तो देखें अगर हम यस सबसेल की बात करें तो यस सबसेल के लिए वैल्यू जो होगी एल की वो 0 होगी। तो जैसे अगर पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4 एंड सो ऑन। और आप जानते हैं कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताए गए हैं, तो एस सबसेल में केवल एक ही होता है आपका
ऑर्बिटल पी में 3, डी में 5, एफ में 7, जी में 9, इसी तरह से आगे भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है, 2-2 के डिफरेंस पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा समझिए कि अगर कहा गया आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 3 है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एस है या फिर जीरो है, तो बताइए वो कहाँ प्रेजेंट है। तो आप बताएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो 3 यानी कि थर्ड सेल यानी के एल एम, एम सेल में है। सबसे पहले आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस में है, एम सेल में है, और यम सेल के, अब इसके लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 था, तो एम सेल के एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक, क्योंकि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 थी। तो अगर वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा गया 3 है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है, तो आपको यहाँ पर पता कर सकते हैं कि एम सेल के एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि अभी सेल बता सकते हैं, सब सेल बता सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से उसके ऑर्बिटल्स को भी बता सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे हम इस रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यम से। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर एनी सब सेल 2L+1 वैल्यू ऑफ एम आर पॉसिबल, ठीक है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल एम इज इक्वल्स टू -1, 2, देखते इसको बताते हैं हम आपको। तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, आपके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और एम की जो वैल्यू होती है वो माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक होती है, ध्यान दीजिएगा, माइनस एल टू प्लस एल, ठीक है। अगर सपोज दैट यल यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो टू है, तो जो प्रिंसिप आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो -2 से लेकर के +2 तक होगी, यानी -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। अगर यहाँ पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू वन है तो -1, 0 और +1 होगी, यानी -L से लेकर के +L तक वैल्यू होती है किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, m इज इक्वल्स टू -L2+L, ठीक। और साथ ही साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को, यानी कि सबसे बड़ा सेल होता है जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, उससे छोटा होता है आपका सब सेल जिसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है, उसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स जिसको कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। अब उसी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसको रिप्रेजेंट करता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। सॉरी यहाँ एम एस लिख दिया गया है, लेकिन इसका एम एस इसलिए लिख दिया गया कि ये आपका मैग्नेटिक से रिलेटेड है, लेकिन आपको केवल यस ही यूज करना है। तो हम लोग फिर से आप ध्यान देंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, एंड स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट रिफर्स टू ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये ओरिएंटेशन स्पिन यानी चक्कर की दिशा को बताता है कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसके लिए दो वैल्यू होती है, इट कैन हैव टू वैल्यूज, +1/2 and -1/2। +1/2 आइडेंटिफाइज द क्लॉकवाइज स्पिन एंड -1/2 आइडेंटिफाइज द एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उसमें एक क्लॉकवाइज होता है जिसके लिए वैल्यू होती है +1/2 और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है उसके लिए वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। तो अगर सबकी वैल्यूज दी गई हों क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम पता कर सकते हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इन चारों वैल्यूज़ को भी पता कर सकते हैं,
ठीक है। तो क्वांटम नंबर जो होते हैं वो हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी भी एटम के, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी देते हैं कि वो किस सेल में, किस सबसेल, किस ऑर्बिटल और कैसे ओरिएंटेशन है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इन चारों क्वांटम नंबर के हेल्प से ये पता किया जाता है, गॉट इट। अब बात आती है नोडल सरफेस और सिंपली नोड्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं नोडल सरफेस या फिर नोड्स क्या होते हैं। अभी हमने ऑर्बिटल पढ़ा, तो ऑर्बिटल में हमने बताया कि ये वो रीजन होता है जहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। और नोड्स जो होते हैं उसके जस्ट अपोजिट होते हैं, द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड नोडल सर्फेस और सिंपली नोड्स, ठीक है। यानी हम जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो जीरो होगी, ठीक है। यानी कह सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना जीरो होती है, उसे हम कहते हैं नोडल सर्फेस या फिर नोड कहते हैं सिंपली। दो तरह के नोड्स होते हैं आपके, रेडियल नोड्स होते हैं, ठीक है। पहला है आपका रेडियल नोड्स, पहले देखिए। तो रेडियल नोड्स अकर व्हेन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ वेव फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन इज जीरो ऑन अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ ए पर्टिकुलर रेडियस, ठीक है। तो रेडियल सरफेस जो है वो रेडियस से रिलेटेड है, यानी कि इसके लिए स्फेरिकल सरफेस, तो किसी भी एटम में, यानी वो एरिया जो स्फेरिकल एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, उसे हम कहते हैं रेडियल नोड्स, ठीक है। और रेडियल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स किसी में भी कितने होते हैं, एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन में या किसी भी एटम में हमें निकालना है तो रेडियल नोड्स कितने होंगे, तो एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल यानी कि एजीमिथल क्वांटम नंबर, माइनस वन कर देंगे तो हमें रेडियल नोड्स पता चल जाएगा, गॉट इट। सेकेंड है आपका एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स अकर व्हेन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो अलोंग द डायरेक्शन स्पेसिफाइड अ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। तो इसके पहले वाले में स्फेरिकल एरिया की बात थी और यहाँ पे किसी डायरेक्शन या फिर पर्टिकुलर एंगल पर बात की जा रही है, तो यहाँ पे कहा जाता है इसे एंगुलर नोड्स। ये भी वही रीज़न है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी नहीं पाए जाएंगे। अगर स्फेरिकल रीजन में प्रोबेबिलिटी जीरो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के, तो वहाँ पे कहलाएगा आपका रेडियल नोड्स। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर एंगल पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जीरो हो रही है, तो उसे कहते हैं एंगुलर नोड्स। तो रेडियल नोड्स एन इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन, और आपके जो एंगुलर नोड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एल यानी कि आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर के। अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो एन माइनस वन होता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से वन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स पता चल जाते हैं, यानी कि कितने ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना जीरो है, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो देखिए ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लेवल जो हो वो सेम हो, उसे हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो जो यस सबसेल होता है उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, तो भाई अगर एनर्जी सेम दिखानी है तो एटलीस्ट टू होने चाहिए। तो यस को छोड़ करके पी और पी सबसेल में थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं और डी सबसेल में भी फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसमें हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन कौन डी जनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। तो देखते हैं हम लोग इसमें आपका, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो ये पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि पी ऑर्बिटल का जो आपका यस का शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, पी जो होता है वो डंबल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये जो पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है डंबल शेप में, तो पी ऑर्बिटल जो है उसमें पी सबसेल में थ्री ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो ये तीन अलग अलग एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन किया है, तो पहला आप देख रहे हैं पी एक्स है, तो पी एक्स में आप देख रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सेकेंड में पी वाई पे लाई कर रहा है, थर्ड में पी जेड पे। तीनों जो हैं वो ओरिजिन के परपेंडिकुलर ही होते हैं,
ठीक है। तो इन तीनों की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, तो इसलिए इन्हें कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इसी तरह से डी में देखिए, तो डी में आपके फाइव हैं, फाइव में देखिए तो पहला है आपका डी एक्स वाई, दूसरा है डी वाई जेड, तीसरा है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चौथा है आपका डी जेड एक्स, सॉरी हाँ डी जेड एक्स, और पांचवा है आपका डी जेड स्क्वायर। तो इसमें जो तीन होते हैं उनकी आपस में एनर्जी सेम होती, कौन कौन, पहला डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों की एनर्जी आपस में सेम होती है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी आपस में सेम होती है। तो पहले जो तीन हैं उन्हें आप बोलेंगे कि ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, और बाकी के बाद वाले जो हैं वो आपस में डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। नेक्स्ट वन शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे की चैप्टर्स में इसका यूज आएगा तो समझेंगे अच्छे से। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए, अब जो न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स एक साथ ही प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वहीं अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स में जो सॉरी जो ऑर्बिटल्स ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं या सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट सेल जो है आपका के, के में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एम में 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जैसे जैसे सेल बढ़ते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, तो उनकी जो डिस्टेंस होती है वो भी न्यूक्लियस से बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल, अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस होने के कारण द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल, जो बाहर के सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो जो पॉजिटिव चार्ज अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस में वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हुए, यानी उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए वो कम हो जाता है। सो ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज लोअर्ड एंड इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो उनका बाहर के इलेक्ट्रॉन से इंट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम अप्लाई होता है, जिसके कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है कि उस पर इफेक्ट वो उस पर कम अप्लाई होता है, जिसके कारण उसका न्यूक्लियस जो होता है उसमें अट्रैक्शन लोअर हो जाता है, जिसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द ऑर्बिटल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ऑर्बिटल्स के लिए डिक्रीज करता है जैसे जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर बढ़ता है, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसी बढ़ती चली जाएगी तो जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस के साथ इंट्रैक्शन कम होता जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत ही बढ़ जाती है। यानी सिंपली अगर कहें तो आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं ऑर्बिटल्स, वहाँ पर उनको न्यूक्लियस के चार्ज के कारण जो भी इफेक्ट्स होते हैं वो उन पर अप्लाई नहीं हो पाते हैं, यानी उनसे अट्रैक्शन नहीं हो पाता है, यही कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आता है आपका आफबाउ प्रिंसिपल। आफबाउ प्रिंसिपल जो है, तो आफबाउ जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जैपनीज वर्ड है। जैपनीज वर्ड में इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट करना ही आफबाउ कहलाता है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्लास नाइन्थ में बोरबरी रूल बताया गया था, बट यहाँ पर यह है आपका आफबाउ। इसके हेल्प से आप किसी भी पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट हो, अभी जो नॉन एलिमेंट्स हैं या फिर अभी जो डिस्कवर नहीं हुए हैं उन एलिमेंट्स सबके लिए एप्लीकेबल होता है। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप आफबाउ प्रिंसिपल से कर सकते हैं, क्योंकि जो आफबाउ प्रिंसिपल है ये
बनाया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट किया गया है, तो इसके हेल्प से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और इसमें एक रूल फॉलो होता है N plus L रूल फॉलो होता है, उसी के हेल्प से इसको बनाया गया है। तो ये N plus L रूल क्या है कि ऑर्बिटल्स विथ लोअर वैल्यू ऑफ N plus L हैव लोअर एनर्जी, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ N plus L देन ऑर्बिटल विल लोअर वैल्यू ऑफ N विल हैव लोअर एनर्जी, ठीक है। देखिए N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है, जीनिथल क्वांटम नंबर। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी ऑर्बिटल के लिए जब N plus L की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो जिसकी N plus L की वैल्यू यानी जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों का सम जो होगा वो कम होगा, उसकी एनर्जी लोअर होगी, जिसका वैल्यू अधिक होगा वो उसकी एनर्जी अधिक होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी केस में कि अगर दो ऑर्बिटल्स की N plus L की वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर उसमें एनर्जी लेवल किसका कम माना जाएगा, तो जिसके लिए N की वैल्यू कम होगी, ठीक है, जिसके लिए N की वैल्यू कम होगी यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी लेवल को कम माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1s, 2s, 3s, 3p, 4s, 3d, तो आप सोचते होंगे कि 3p के बाद तो 3d आना चाहिए, बट 4s आ गया है। ये N plus L रूल के ही कारण आया है, क्योंकि 4s के लिए जब आप N plus L निकालते हैं, क्योंकि 4 यहाँ पे N की वैल्यू होगी और S के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, तो 4 plus 0 करेंगे तो यहाँ पे N plus L जो आएगा वो 4 आएगा। वहीं 3d के लिए फाइंड करेंगे तो 3 आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और d के लिए जो वैल्यू होती है वो 2 होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की, तो 3 plus 2 5। तो यहाँ पे 4s की जो N plus L वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है और 3d की जो N plus L वैल्यू है वो 5 आ रही है, तो इसलिए यहाँ 4s की एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू 3d, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s में भरे जाएंगे फिर 3d में भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसी के ऑर्डर में ये इसको अरेंज किया गया है, तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d, 6p, 1x, 5f, इसी तरीके से आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का रूल है। आपको ध्यान देना है कि यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, क्योंकि यस में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन, F में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह से इसमें अरेंजमेंट की जाती है। नेक्स्ट वन इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली जो साइंटिस्ट के नेम पे रहते हैं उनके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं, तो आप इसको लर्न करेंगे। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इनका कहना था, इनका जो रूल है कि किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी एक एटम के, अलग अलग एटम नहीं देना है, पहले आपको ध्यान देना कि एक ही एटम के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑल द क्वांटम नंबर्स आर नॉट सेम। 3 सेम हो सकते हैं बट चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। क्योंकि n सेम हो सकता है, l सेम हो सकता है, m सेम हो सकता है, लेकिन उसकी स्पिन नहीं सेम हो सकती, क्योंकि एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक की स्पिन पॉजिटिव होती है और एक की स्पिन निगेटिव होती है, यानी एक की वैल्यू प्लस हाफ होती है, एक की वैल्यू माइनस हाफ होती है। तो कभी भी ऐसा कोई केस नहीं बनता जिसमें एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो। यह है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसको हुंस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, तो इन्होंने पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अपना रूल दिया था। तो इन्होंने क्या बताया कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल पी डी और एफ डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दैट इज इट इज सिंगल
सिंगली ऑक्यूपाइड। तो देखिए सिंपली इनका जो रूल था बहुत ही इजी था। सिंपली इनका कहना था कि जैसे जो भी यस में तो केवल एक आर्बिटल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पी डी एफ में एक से अधिक आर्बिटल्स, जैसे पी क्या, आपको एक एग्जांपल लेकर के हम बताते हैं, पी में 3 आर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और आप जानते हैं कि पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी में 3 आर्बिटल्स हैं, एक आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो हुंस का कहना ये था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे पी एक्स आया, पहले पी एक्स है तो पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएँ, फिर उसके बाद पी वाई आएगा फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, फिर पी जेड आएगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग होती है वो 1/1, एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स, फिर एक इलेक्ट्रॉन पी वाई, फिर एक इलेक्ट्रॉन पी जेड में होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वाले को फुलफिल कर दें बाकी वाले को वैकेंट कर दें, ऐसा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जब सभी ऑर्बिटल्स में फिल कर लिए जाएंगे देन आफ्टर ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। यानी सपोज दैट अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको पी ऑर्बिटल में हमें फिल करना है पी सबसेल में, तो पहले हम क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो 1-1-1 सबको एक एक करके पहले पी एक्स में 1, पी वाई में 1, पी जेड में 1 देंगे, फिर जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम ले करके पी एक्स में फिर से फिल करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप पी एक्स में 2 भर दिए, पी वाई में 2 भर दिए, पी जेड में 1 भी इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत हो जाएगा, ये हुंस रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करना होगा तो 1/1 सबको पहले एक एक देंगे फिर बचेगा तभी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, वही आपका जो इससे पहले बताया गया कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज, कैसे, यस के पावर में, पी के पावर में, सी डी के पावर में। इसी तरह से जैसा कि हमने पहले रिप्रेजेंट किया ही है आपको उसी तरीके से करना है। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, इनसे कम भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल नहीं किए जा सकते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो ईच ऑर्बिटल ऑफ द सेल इज सबसेल इज रिप्रेजेंटेड बाई द बॉक्स, तो किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट अगर हम यस सबसेल के ऑर्बिटल को बनाना है तो एक बॉक्स बना देंगे, क्योंकि यस में कितने यस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 बॉक्स बना देंगे। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 5 बॉक्स बना देंगे। तो ये ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है, तो एरो से फिल करना है। ठीक है, तो एक आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अपवर्ड डायरेक्शन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज, तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो प्लस हाफ होती है स्पिन क्वांटम नंबर में, और जब डाउनवर्ड होती है तो वो निगेटिव होती है, उसके लिए माइनस हाफ वैल्यू होती है स्पिन क्वांटम नंबर में। एक और पॉइंट है आपका कि स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड सबसेल से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कम्प्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड सबसेल्स हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम एंड आर मोर स्टेबल। तो देखिए कोई भी जो एटम होता है उसका जब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो उस कंडीशन में वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है और वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कि जैसे अगर हम बात करें, सपोज दैट कोई भी एटम है और उसके पी सबसेल में अगर हम बात करें, पी सबसेल में जब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि तब एक एक सब में फिल किया जाएगा, या फिर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तब दो दो सब में फिल कर दिया जाएगा। तो जब उसके पी सबसेल में या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस केस में वो एटम जो होगा वो ज़्यादा फुलफिल होगा, यानी ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे या 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो न तो वो हाफ फील्ड होगा न ही फुल फील्ड होगा, उस केस में वो हाईली अनस्टेबल माना जाएगा। लेकिन जब वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है तो उस केस में वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो आप जानते हैं कि सारे जो भी एटम्स होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, जिसके लिए वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंडीशन बनाना चाहते हैं। एक और है आपका है एक्सचेंज एनर्जी, द 2 आर मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन प्रेजेंट इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट का मतलब सेम, जिनकी एनर्जी लेवल सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, द 2 आर मोर इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन
present in the degenerate orbitals of the subshell can exchange their position and the energy released due to this exchange is called exchange energy. ठीक है, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेम स्पिन होती है, यानी कि क्लॉकवाइज हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई भी सेम स्पिन के हैं, तो वो दो अगर डीजनरेट आर्बिटल्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं. यानी कि दो डीजनरेट आर्बिटल्स हैं, यानी कि जिनकी ऑलरेडी एनर्जी जो है वो सेम है, ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम स्पिन के, दोनों क्लॉकवाइज हैं या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो वो अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और इसमें जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उसे हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी. द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इज मैक्सिमम व्हेन द सबसेल इज आइदर हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड. ठीक है, तो ये कंडीशन तभी बनता है जब उसको हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड करना होता है. एज ए रिजल्ट द एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम एंड सो इज द स्टेबिलिटी. ठीक है, तो एक्सचेंज एनर्जी इसमें मैक्सिमम होती है जिसके कारण वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन था, हालांकि ये जो चैप्टर है बेसिकली डिपेंड्स है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे, तो आप इसे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में देख लेंगे, जो भी डाउट्स होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं. और ये यहीं पर इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट होता है, और आप इसको देख करके अच्छे से समझ लीजिए, जो भी डाउट्स होते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे. और ये चैप्टर यहीं पे आपका फिनिश होता है. नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे.